अंकल तुम्हारा नाम? कपूरचंद जैन। आप कहाँ पर रहते हो? डोली रेसिडेंसी। आज आपके साथ क्या घटना हुई वो बताइए। हम गाड़ी में बैठा था, हमारा लड़का दवाई लेने के लिए गया था आगम के पास में। तो एक लड़का आया 20-22 साल का, काला सा करके काला कमीज पहन रखा था, और आके वो गाड़ी स्टार्ट किया तो हम बोला अरे तुम कौन हो? तब वो पिस्तौल दिखाया हमको, वो पिस्तौल दिखाया तो तुम गाड़ी लेके कहाँ जा रहे हो? तब वो गाड़ी का गियर लगाने लग गया तब उसका हाथ पकड़ा तब फिर वापस पिस्तौल दिखाया तब हम दूसरा से हमारा दूसरा बगल में था उससे गेट खोला, हम गेट खोल के आवाज लगाया हमको सबको, अरे मगर देखो हमारा गाड़ी लेके जा रहा। अब इस समय वो पीछे क्या फुर्ती से नीचे बेक किया, बेक करके अंदर थोड़ा सा जगह था पीछे में, तब पीछे वाला गाड़ी को भी लगा वो उसका गाड़ी, और वो थोड़ा सा आगे करके स्पीड पकड़ने लगा तब हमको दिया नंबर साथ पास में लेके जाएगा, तो हमारे हाथ में भी आने लगा, थोड़ा में भी लगा है। हाँ फिर आपको क्या लगता है किसने ये किया होगा? अब क्या पता है किसको ना करके, क्या पता है साथ में काला सा इतना लंबा पिस्तौल था तो काला सा करके ना हम हो सकता है क्या जाना नकली भी हो, पता नहीं नकली असली का, तो लेकिन वो अपने तो क्या वो पिस्तौल तो पिस्तौल ही है। अंकल तुम्हारा रसूल आगे? ये मेरे पिताजी है। आप सुबह में क्या यहाँ करने आए थे, कितने बजे आए थे? लगभग 11:30 के पास में पिताजी को डॉक्टर के दिखा के लेके आया था भटार में, यहाँ से मेरा आदम के पास मेरा घर है तो मैं आदम से ही दवाई लेता हूँ। यहाँ पे मैंने गाड़ी पार्क की, पिताजी बोले मैं उतरता हूँ, मैं बोला नहीं अभी आपका काम नहीं है, आप बैठे रहो गाड़ी में। गाड़ी में चाबी इंजन तो बंद कर दिया, चाबी रखी थी उसके अंदर, और दवाई लेके जब रिटर्न आया तो मेरे को पता चला कि ऐसा हो गया, किसी ने पिस्तौल दिखाई, पिताजी को गाड़ी से उतारा और गाड़ी लेके भाग गई। क्या लगता है आपकी किसी से है दुश्मनावट थी, किस तरह से ये हुआ होगा? नहीं मेरी किसी से कोई दुश्मनी या कुछ भी नहीं। पुलिस कंप्लेंट की है आपने? हाँ मैंने हाथों हाथ फोन कर दिया था 100 नंबर पर।